हाय नाउ सीमेंट इंडस्ट्री की मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए मैं सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को मैं विद एक्सप्लेनेशंस आप लोगों के लिए समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है द सीमेंट कंटेंट। जो आपका सीमेंट है मेनली कंटेंट्स होता है, सीमेंट में क्या क्या चीज़ होता है कंटेंट। तो आपने देखा कि सीमेंट में एक तो मैंने बताया था सिलिकेट होता है, SiSiO2, एक एल्यूमिनेट बताया था Al2O3, और एक बताया था CaO, चूना, लाइम बोलते हैं, इन चीज़ों का मिक्सअप होता है। तो अब सारे ऑप्शन देख लेंगे, तो ऑप्शन ए में देख रहा है CaO होता है, SiO2 होता है, Al2O3 होता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन कि सीमेंट में क्या क्या चीज़ होती है। सीमेंट मेनली कंटेंट, तो सीमेंट में आपका CaO होता है, SiO2 होता है, और Al2O3 होता है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, जिप्सम इज केमिकली, जिप्सम का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, जो आपका जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O। तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम। अब इसमें देखो ऑप्शन दिखाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड होता है, गलत, पोटेशियम सल्फेट होता है, गलत, सोडियम सल्फेट होता है, गलत, कैल्शियम सल्फेट होता है, तो कैल्शियम सल्फेट ही है। अगर मैंने बताया था अगर CaSO4 हाफ H2O बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, PUP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूले पूछा जा सकता है, इसके नाम पूछा जा सकता है, और इस तरह से भी बोल दिया तो आप PUP पे टिक करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे हम, द फंक्शन एडिशन, आपने द फंक्शन ऑफ जिप्सम, जिप्सम को मिलाया, एडिशन ड्यूरिंग द सीमेंट, आप सीमेंट में क्या कर रहे हैं, जिप्सम को मिला रहे हैं, तो ये क्या कर देता है, जिप्सम मिला देते हैं। तो मैंने पहले ही जब आपको थ्योरी पढ़ाई है तो उसमें बताया है कि जिप्सम को जब हम सीमेंट में मिलाते हैं तो वो उसके जमने की जो दर होती है क्या हो जाती है, जमने की दर को कम करती है। तो देखिए जमने की जो दर होती है उसे कम कर रही है, तो देखिए इनक्रीज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, गलत, डेंसिटी को इनक्रीज नहीं करती है, डिक्रीज द सीमेंट सेटिंग रेट, मतलब सेटिंग मतलब जमने की दर को, सीमेंट की जमने की दर है उसको डिक्रीज करती है, कम करती है, क्या, जिप्सम, इट इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीमेंट सेटिंग अंडर वाटर एम्प्लॉयज। आपने देखा होगा सीमेंट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, जब वाटर के साथ में रिएक्शन करके फिर क्या होता है, वो जम जाता है। और बेसिकली ये रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। आप कभी भी देखना जब सीमेंट का घोल बनाएंगे तो उसमें हाथ देखना, वो आपको गर्म लगेगी, तो वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें ये कहा है कि सीमेंट सेटिंग अंडर वाटर आप सीमेंट में मिला रहे हैं तो किस टाइप का प्रोसेस है, तो वो बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो आप जब आप किसी भी चीज़ में पानी को ऐड करेंगे तो वो प्रोसेस आपका हाइड्रेशन कहलाएगा, हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन इज नॉट डन इन फॉर प्रोड्यूसिंग लाइम। आपको मैंने अभी बताया था कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम किसी भट्टी में डाल रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है,
इसको मैंने अभी बताया था 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपका CaO बनता है प्लस CO2 बनता है। तो जो CO है वो है लाइम चूना, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा कौन सी इसमें से भट्टी है जिसमें ये चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है? तो वो आपके पास में वर्टिकल साफिट है, फ्लूडाइज बेड है, रोटेटरी है, इन सभी में हो जाती है। लेकिन फिक्स्ड बेड होता है उसके अंतर्गत ये वाली आपका लाइम होता है इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ हम इसके बाद 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा संघटक पोर्टलैंड सीमेंट में अधिक होता है। तो आपने देखा था कि पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो डिफरेंट चीज़ों का मिक्सअप होता है। जब डिफरेंट चीज़ों का मिक्सअप होता है तो अब इसमें ये चीज़ बता रहा है कि वो क्या चीज़ उसमें संघटक में होती है। आपने देखा ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 होता है, मिक्सचर में नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। और दूसरा अधिक कौन सा होता है? ट्राई कैल्शियम 3 CaO SiO2 इस तरह का मिक्सचर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको सिलाइट भी बोलते हैं। बोलते हैं ये चीज़ होती है उसमें अधिक में अधिक होती है, संघटक होता है पोलैंड सीमेंट में। तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि मोर्टार को बनाने के लिए कौन सा कंपोजिशन होता है, तो मोर्टार का कंपोजिशन मैंने बताया था, एक तो सेंड चाहिए होती है, एक सीमेंट चाहिए होती है और एक वाटर चाहिए होता है। ये मिलकर क्या बना देता है? मोर्टार बना देता है, मोर्टार बना देता है। ठीक है, अब इसमें जो सीमेंट होता है इसका एक भाग होता है और इसके 3 भाग मिलाए जाते हैं और बाकी पानी ऐड किया जाता है, इस प्रकार से हमें मोर्टार बन जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा कि मोर्टार किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप एक PC पोर्टलैंड सीमेंट। PC का मतलब क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट, वाटर और सैंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डैश इज नॉट यूज टू मेक द पोर्टलैंड सीमेंट। PC जिसे बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए ऐसा क्या चीज़ है वो यूज नहीं होती है? तो आप लोगों के लिए सिंपल फंडा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये प्रत्येक रॉक में पाया जाता है लेकिन सेंड में नहीं पाया जाता है, इसलिए ये पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने में यूज़ नहीं होता। ठीक है, सेंड समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का हाइड्रेशन क्या होता है? मैंने अभी बताया था जब सीमेंट में आप वाटर को ऐड कर देते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है? ये हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन क्या कहलाता है? सीमेंट में पानी मिलाना। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर, या केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद एसिड गलत। तो सीमेंट केमिकल रिएक्शन सीमेंट विद वाटर, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि पानी मिलाना उसमें। ठीक है, नाउ हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट 28 डेज, 28 दिनों में स्ट्रेंथ इन अकाउंट इज हाइड्रेशन। आप सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो पूरी तरह से पक्का तैयार हो जाती है वो 28 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 28 डेज लगते हैं प्रिपेयर होने के लिए। तो बेसिक उसमें ऐसा कौन सा कंपोजिशन होता है उसके कारण? तो वो आपका C3S के कारण होता है, वो इसका फॉर्मूला 3CaSiO2 आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इसको एलाइट भी बोलते हैं, इसको एलाइट भी बोलते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ हम 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, सिलिका इन एक्सेस। आप क्या करें? सीमेंट में सिलिका को एक्सेस ज़्यादा मात्रा में मिला दें तो उससे क्या होता है, ये कहना चाह रहा है। सिलिका इन एक्सेस कॉजेस, क्या कारण होता है? अगर सिलिका को आप सीमेंट में एक्सेस मात्रा में मिला देते हैं तो नंबर ऑप्शन ए, सीमेंट इज सेट स्लोली। बिल्कुल सही बात है, अगर सीमेंट में आप, ए ऑप्शन इज राइट। वैसे तो
लेकिन क्विकली सीमेंट इज एक्सपेंड नहीं, अगर एक्सपेंड हो जाए तो भी गलत है। और डिसइंटीग्रेशन मतलब टुकड़ों में बढ़ जाना, ये भी गलत है। तो बेसिकली अगर सिलिका को मिलाएंगे एक्स मात्रा में तो सेट स्लोली हो जाती है, सीमेंट जो आपकी सेट होगी वो स्लोली मात्रा में हो जाती है, ठीक है। एल्युमिनियम एल्युमिना इन एक्सेस, अगर आप एल्युमिना को ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे तो क्या होगी, उससे सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नाउ एक पॉइंट देख लेते हैं, सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की सहायता से कलर आता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के लिए पूरा वीडियो समझ में आ गए होंगे। नाउ मेरे से जितने भी क्वेश्चन नेट से या फिर ओपी गुप्ता वगैरह से बुक से जितने भी क्वेश्चन मिल सकते थे मैंने आप लोगों के लिए करा दिए सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड। और इन क्वेश्चनों में से पक्का बता रहा हूँ क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, और आप पढ़ते रहिए, मुझे आशा है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू। और हाँ, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो डालूँगा आपको आपके पास पहुँच जाए, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहे वो। थैंक यू।